अब हम देखते हैं कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में भी ऑफ टू टाइप्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल डेप्रिसिएशन और एक्सटर्नल डेप्रिसिएशन। अब दो तरह की डेप्रिसिएशन है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। वो क्या है, इंटरनल देखते हैं। सबसे पहले इंटरनल में आता है डेप्रिसिएशन विच अकर फॉर सर्टन इनहेरेंट नॉर्मल कॉजेज इज़ नोन एज इंटरनल डेप्रिसिएशन। द कॉजेज ऑफ इंटरनल डेप्रिसिएशन आर वेयर एंड टेयर एंड डेप्लीशन। जो डेप्रिसिएशन इनहेरेंट नॉर्मल कॉजेज की वजह से, मतलब नॉर्मल रीजन की वजह से अक्कर होती है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल डेप्रिसिएशन। जिस तरह अगर हमारे पास कोई मशीनरी है, वो चलते चलते ख़राब हो जाए, तो वो उसका इंटरनल इशू है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल डेप्रिसिएशन। इसकी दो टाइप्स है, वेयर एंड टेयर और डिप्लीशन। वेयर एंड टेयर है, एन एसेट डिक्लाइंस ऑन अकाउंट ऑफ कॉन्टीन्यूड यूज़। एक एसेट को हम कॉन्टीन्यूसली यूज़ करते रहेंगे तो उसकी वैल्यू में जो कमी आएगी उसको हम वेयर एंड टेयर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बिल्डिंग, प्लान, मशीनरी सेक्टर। अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स दे दी, ये तीन जो चीज़ें हैं, और भी बहुत सी होंगी, ठीक है, लेकिन मेनली ये जो चीज़ें होती हैं इनकी, इनको कॉन्टीन्यूसली हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एक बिल्डिंग है, उसमें हम काम कर रहे हैं, उसमें हमारा ऑफिस है। प्लांट मतलब अगर हमने कोई फैक्ट्री लगाई है, उसके अंदर प्लांट लगा हुआ है एक बड़ा सा, ठीक है, और वो जाहिर सी बात है फैक्ट्री पूरा दिन काम कर रही होती है, पूरा दिन चल रही होती है। मशीनरी, कोई मशीन आपने रखी हुई है, ठीक है, वो भी आप यूज़ कर रहे हो कॉन्टीन्यूसली। हाँ, शायद बीच में थोड़ा ब्रेक आता होगा, मतलब ऑफिस आवर्स में आप यूज़ कर रहे हो, फिर थोड़ा ब्रेक आ जाएगा, ठीक है, फिर नेक्स्ट डे फिर आप यूज़ करो, लेकिन कॉन्टीन्यूसली यूज़ तो हो रही है, रोज़ यूज़ हो रही है। सच डिक्लाइन डिपेंड्स ऑन द क्वांटम ऑफ यूज़ ऑफ द एसेट। अब इसके जो डिक्लाइन है वो डिपेंड करता है हम कितना एसेट को यूज़ करेंगे। जितना ज़्यादा हम यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा उसमें डिक्लाइन आएगा, उसमें कमी आएगी, डेप्रिसिएशन होगी उसकी। इट इज़ ऑब्वियस दैट सच लॉस इज़ अनअवॉइडेबल। ये जाहिर सी बात है कि जो ये लॉस है ये अनअवॉइडेबल है, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ये होना ही होना, कुछ भी हो जाए इसे हम अवॉइड नहीं कर सकते। एन एसेट मे बी कैप्ट इन प्रॉपर वर्किंग कंडीशन बट थ्रू रिपेयर्स फॉर द टाइम बीइंग। अच्छा, हम एसेट को हम प्रॉपर कंडीशन में रख सकते हैं कुछ अर्से के लिए रिपेयर्स करवा कर, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फ़ैन ख़राब हो गया तो हम उसको रिपेयर करवा लेते हैं, उसको उसके अंदर तेल डाल देते हैं ताकि वो स्मूथली चले, ठीक है, लेकिन वो टाइम बीन के लिए होता है। फिर एक टाइम आएगा कि उसकी वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और वो काम करना छोड़ देगा। बट इट कैन नॉट बी डन सो परमानेंटली, ठीक है। अब हम वो यही बोल रहे हैं कि रिपेयर से आप ये नहीं कर सकते कि वो चलती रहे चलती रहे, एक टाइम आता है कि वो चीज़ चलना रुक जाएगी, ख़राब हो जाएगी बिल्कुल। एट वन टाइम द एसेट विल बिकम अनफिट फॉर रिपेयर व्हेन इट विल नो लॉन्गर बी यूजेबल। अब उन्होंने ये बताया कि एक टाइम आएगा आप रिपेयर करवाओगे बिना वो तब भी नहीं चलेगी, वो बिल्कुल उसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। डिप्लीशन, सम एसेट डिक्लाइंस इन वैल्यू प्रोपोर्शनेट टू द क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल माइन, क्वारी एक्सेट्रा। सम एसेट डिक्लाइंस इन वैल्यू, अच्छा, प्रोडक्शन के हिसाब से किसी चीज़ में कमी आना। अब मैं आपको इसको सिंपल टर्म से समझाती हूँ। अब यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया माइन की। माइन आपको पता ना क्या होता है, कान किसी चीज़ की। फॉर एग्ज़ाम्पल हम नमक की कान ले लेते हैं, हमें एक नमक की कान मिली, हमने उसमें से नमक निकालना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जब हम नमक निकालना स्टार्ट कर देंगे तो उसके अंदर जो मौजूदा नमक होगा वो ऐसा ऐसा कम होता जाएगा, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डिप्लीशन, ठीक है, कि उसके अंदर डेप्रिसिएशन हो रही है, उसके अंदर से हम नमक निकालते जा रहे हैं, उसमें नमक की कमी होती जा रही है, ठीक है। विद द राइजिंग ऑफ कोल फ्रॉम कोल माइन द टोटल डिपॉजिट रिड्यूसेस ग्रेजुअली एंड आफ्टर सम टाइम इट विल बी फुली एग्जॉस्टेड, देन इट वैल्यू विल बी रिड्यूस टू निल। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने खुद ही एग्जाम्पल दे दिए कोल माइन की, ठीक है, कोयले की कान की एग्जाम्पल दी है कि अगर हमारे पास एक कोयले की कान है, हम कोयला निकालते रहेंगे, ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा अंदर से कोयला ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अगर हम किसी नेचुरल चीज़ के अंदर खुद से डेप्रिसिएशन कर रहे हैं, जिस तरह ये माइन हो गई, जिस तरह और क्वारी भी माइन की ही कोई टाइप है, ठीक है, तो उस इस तरह की नेचुरल चीज़ के अंदर जो हम डेप्रिसिएशन खुद से कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं डिप्लीशन, ठीक है।
अच्छा ये हो गया, उसके बाद आ जाता है एक्सटर्नल रीज़न। डिप्रिसिएशन कॉज्ड बाय सम एक्सटर्नल रीज़न इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल डिप्रिसिएशन। किसी बाहर के बैरूनी रीज़न की वजह से कोई डिप्रिसिएशन होती है एसेट में, तो उसको हम एक्सटर्नल डिप्रिसिएशन बोलते हैं। द कॉज ऑफ एक्सटर्नल डिप्रिसिएशन आर ऑब्सोलेंस, फ्लक्स ऑफ टाइम, एक्सीडेंट। अच्छा ये तीन टाइप्स हैं इसकी। ऑब्सोलेंस सबसे पहले पढ़ते हैं। सम एसेट्स ऑल्दो इन प्रॉपर वर्किंग ऑर्डर मे बिकम ऑब्सोलीट। अच्छा ऑब्सोलीट का मतलब आउटडेटेड, पुराना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ओन मशीन बिकम ऑब्सोलीट व्हेन द इन्वेंशन ऑफ मोर इकोनॉमिकल एंड सोफिस्टिकेटेड मशीन हुज प्रोडक्टिव कैपेसिटी जनरेट लार्जर एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेस। अच्छा मैं आपको इजी वर्ड्स में बताती हूँ कि यहाँ पे इन्होंने बात क्या की है कि अगर एक हमारे पास, मैं मोबाइल की एग्जांपल दूंगी क्योंकि उसकी बहुत कॉमन एग्जांपल है। मोबाइल आपने एक लिया, ठीक है, और चले अगर नहीं भी लिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एक मोबाइल की बात करते हैं, ठीक है, हवावे का एक मोबाइल आया, 2 साल बाद एक नया मोबाइल आ गया, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि आप पुराना वाला मोबाइल लेना पसंद करोगे या नया वाला मोबाइल लेना पसंद करोगे? ऑफ कोर्स नया वाला, ठीक है, क्यों? उसमें नए फीचर्स होंगे, नई गेम्स होंगी, नए उसमें शायद पॉपअप कैमरा हो जाए, ठीक है, उसमें शायद कैमरा ज़्यादा हो, 2-3 कैमराज हों, ठीक है। अब 2 साल पुराने वाले में ये सब चीज़ें नहीं हैं, ठीक है, नए वाले में बहुत नए फीचर्स आ गए, नई चीज़ें आ गई, आप उसको ज़्यादा पसंद कर रहे हो, क्यों? पुराना वाला क्योंकि आउटडेटेड हो गया, पुराना हो गया, इसलिए आपको पसंद नहीं आ रहा। अब वो जो पुराना हो गया ना, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट, ठीक है, कि हम कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए तो पुरानी टेक्नोलॉजी की वैल्यू कम हो जाती है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट, ठीक है। इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द कंपेटिटिव मार्केट द मैन्युफैक्चरर मस्ट इंस्टॉल न्यू मशीन रिप्लेसिंग द ओल्ड वन अगेन। इट मे हैपन दैट द आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय ओल्ड मशीन आर नो लॉन्गर सेलेबल इन द मार्केट ऑन अकाउंट ऑफ चेंज ऑफ हैबिट एंड टेस्ट ऑफ पीपल। अच्छा ये मोबाइल की एग्जांपल इसी के अंदर आती है कि जाहिर सी बात है, अब देखो अगर आप देखो आईफोन हर साल नया आईफोन आ रहा होता है, क्यों? क्योंकि उसमें नए फीचर्स आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन स्टिल लोग आईफोन लेना प्रेफर करते हैं। आप सैमसंग के फ़ोन देखो, हवावे के फ़ोन देखो, और भी ओप्पो है और डिफरेंट कंपनीज है, हर साल उनका नया मोबाइल आ रहा होता है, क्यों? क्योंकि एक तो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, दूसरा ये कि अब एक फ़ीचर जो होता है वो सारे मोबाइल्स के अंदर आ रहा होता है, तो वो कोशिश करते हैं कि वो नया फ़ीचर लेकर आए अपने मोबाइल के अंदर, अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है। उससे ये होता है कि उनकी फिर ना मार्केट में वैल्यू ज़्यादा होती है और चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं, ठीक है, और जो पुरानी चीज़ होती है वो फिर उसकी सेल कम हो जाती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट। नेक्स्ट है इफ्लक्स ऑफ टाइम। सम एसेट्स डिमिनिश इन वैल्यू ऑन अकाउंट ऑफ शेयर पैसेज ऑफ टाइम इवन दो दे आर नॉट यूज्ड। अब वो बता रहे हैं कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू हर साल कम होती जाएगी, मतलब टाइम के साथ साथ उनकी वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है, बेशक आप उसको यूज़ करो या ना करो। फॉर एग्ज़ाम्पल लीज होल्ड प्रॉपर्टी, पेटेंट राइट, कॉपी राइट। अच्छा पेटेंट राइट और कॉपी राइट को मैं आपको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किसी की चीज़ को यूज़ करने का, ठीक है, या फिर कॉपी करने का हम लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया होता है 5-6 साल का, ठीक है, हम 5 साल तक एक जिसके साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया ना, हम 5 साल तक उसकी चीज़ को कॉपी कर सकते हैं, 5 साल पूरे हो गए हम उसकी चीज़ को कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे इसलिए गिवन है, कॉपीराइट 5 साल के लिए अगर था ना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो 1 साल के साथ 1 साल की वैल्यू कम हो गई, 2 साल, 3 साल, ऐसा ऐसा 5 साल में वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, तो ये काइंड ऑफ डेप्रिसिएशन है ना, ठीक है, इस यहाँ ये इसके अंदर आती है। अच्छा लीज होल्ड प्रॉपर्टी, अगर हम लोगों ने लीज़ पे कोई प्रॉपर्टी ली हुई है, ठीक है, अब इसकी एग्जांपल आगे दी गई है, सपोज वी टेक अ लीज ऑफ अ हाउस फॉर 10 ईयर्स फॉर 10,000, इट्स एनुअल डेप्रिसिएशन विल बी 10 डिवाइडेड बाई 10,
इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द हाउस बीन यूज और नॉट। अच्छा, अब हम लोगों ने लीज पे लिया हुआ है। लीज पे मतलब क्या कह सकते हैं हम, इंस्टॉलमेंट्स पे, ठीक है। अब उसकी आप बेशक आपने वो ले के रख दिया है, आप उसके पैसे दे ही जा रहे हो, ठीक है, लेकिन अब वो मकान बेशक ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है, लेकिन आहिस्ता उसकी वैल्यू में कमी आती जाएगी, ठीक है। और आपको पता है ना, जब मकान या फिर कोई कमरा वैसे खाली पड़ा हो तो उसके अंदर जाले लग जाते हैं, गंदगी हो जाती है, मिट्टी हो जाती है, ठीक है, तो आहिस्ता उसकी वैल्यू कम होती जाती है। तो यहाँ पे भी उसमें डेप्रिसिएशन हो रही है, बिकॉज इन द एंड ऑफ द लीज आफ्टर 10 years द हाउस विल गो आउट फॉर आर आउट ऑफ आर पोजिशन, ठीक है। अब हम लोगों ने जो इंस्टॉलमेंट्स पे किसी को दिया था घर, वो 10 साल के बाद उस दूसरे के हो जाएगा, ठीक है, तो उसकी डेप्रिसिएशन भी काउंट करना लाजमी होता है। अच्छा, नेक्स्ट, एक्सीडेंट, एसेट्स मे बी डिस्ट्रॉयड बाई एबनॉर्मल रीजन सच एज फायर, अर्थक्वेक, फ्लड्स एक्सेट्रा। इन सच केस द डिस्ट्रॉयड एसेट्स मस्ट बी रिटर्न ऑफ एज लो एंड अ न्यू वन परचेज्ड। अच्छा, वो कह रहे हैं कि एक्सीडेंट के थ्रू भी हमारी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, एसेट्स ख़राब हो सकते हैं, जिस तरह फायर, अर्थक्वेक, फ्लड्स, ठीक है। इस केस में क्या करना है कि डिस्ट्रॉय एसेट्स को हमने लोगों ने राइट ऑफ कर देना। राइट ऑफ भी एक प्रोसीजर होता है कि अगर हमारे एसेट की वैल्यू थी लेकिन कोई हादसा हो गया, कोई मसला हो गया, तो हम लोगों ने क्या किया, उसकी सारी वैल्यू को हम लोगों ने राइट ऑफ कर दिया, मतलब लॉस में लिख दिया कि ये हमें नुकसान हो गया, ठीक है, और उसकी जगह हम लोग एक नया एसेट जो भी होगा वो परचेज कर लेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा आज का टॉपिक, और सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ये मेरे घर के पीछे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, इस वजह से काफ़ी शोर था। आई होप समझ। अच्छा, इसमें किसी को भी कोई कन्फ्यूजन है आप लोग मुझसे पूछ सकते, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे कि कन्फ्यूजन हो सकती है इसमें, ठीक है, लेकिन ये तो सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट है ना, ये आपका ज़्यादा आएगा भी नहीं, जब मैं क्वेश्चंस पे जाऊँगी ना, क्वेश्चंस आपको बहुत ईजीली समझ आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए सारा कुछ, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा, स्टिल कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है।